क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर हर तरफ मोहम्मद शमी ही शमी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के अमरोहा जनपद में जन्मे मोहम्मद शमी के गांव में भी खुशियों का माहौल था और उन्होंने भी खूब सेलिब्रेशन किया, क्योंकि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 3 मैच में ही रिकॉर्ड्स की बौछार कर दी। उन्होंने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही मैच में घातक गेंदबाजी की और 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद इंग्लैंड के सामने शमी पंजा खोलने के महज 1 कदम दूर रह गए। वहीं भारत बनाम श्रीलंका के बीच मैच में शमी ने फिर अपनी आग उगलती गेंदों से 5 बैटर्स का शिकार किया। देखिए, आप देख ही रहे हैं, लगातार 3 मैच हो गए उसको खेलते हुए, तीन मैच में 14 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। ये एक तो वर्ल्ड कप में खेलना ही बड़ी बात है और उसके बाद आप ऐसा लगातार 3 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच आपको मिल जाए तो फिर उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात। क्या मानते हैं, कैसे ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, मुकाम यही है कि मेहनत का फल मिलता है हमेशा। मेहनत आप करिए, सच्चे दिल से मेहनत जब करता है इंसान तो उसका फल मिलता है, और वो तो इतना ज़्यादा मेहनती है लड़का, शुरू से ही रहा है कि उसे यहाँ आने के बाद भी वो आराम नहीं करता। मैंने देखा है उसको हमेशा के, जैसे अगर लंबे टूर से भी आया है तो 1-2 दिन रेस्ट करता है, उसके बाद फिर अपना फिटनेस पे और बॉलिंग पे, बच्चों के साथ बैटिंग करने में, सब में इन्वॉल्व हो जाता है। सर, बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से आने के बावजूद कैसे वह दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है गेंदबाज बन गए हैं, सर क्या मानना है? देखिए, कहीं से भी इंसान हो अगर मेहनत करता है तो फिर उसके लिए वो अगर ठान ले कुछ भी दिल में कि भाई मुझे ये काम करना है, तो अगर मेहनती है लड़का, कोई भी मेहनत, किसी भी, ये खाली क्रिकेट में नहीं, किसी में भी अगर पूछ ले आदमी तो फिर उसे वो मिलती है। आपके साथ सर काफ़ी समय बिताया है मोहम्मद शमी ने, ऐसा क्या खास है उनमें जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी चीज़ है वो जितना, जिस तरह का भोला इंसान है, जो उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है कभी भी, हमेशा से जो मैं तो जितना उसके पास टाइम गुजारा है, जो उसके ज़बान पे है वही दिल में मेरे ख्याल से रहता है उसके, तो ऐसे इंसान के साथ बुरा कोई करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके साथ बहुत घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन कैसे देखते हैं सर, कई परेशानियों से गुजरने के बावजूद भी वो इतने बड़े मंच के लिए तैयार हुए हैं? देखिए, ये मैं तो इसको पॉजिटिव उसमें लेता हूँ। देखिए, ये जब इंसान के साथ परेशानी होती है और वो इससे उभर जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, तो मैं तो मानता हूँ वो मेंटली और स्ट्रांग हुआ है इन चीज़ों से, और वही चीज़ अगर आपको फिर परेशानी आगे हल्की बुल्की छोटी मोटी परेशानी आपको परेशानी नहीं लगती, जब आप बड़ी परेशानी से उभर के सामने आ जाते। सर, टर्निंग पॉइंट क्या है उनकी ज़िंदगी का? टर्निंग पॉइंट देखिए यही है, उसकी जो लाइफ में उसके एक भूचाल सा आया था उसकी वाइफ की तरफ से, उसके बाद जो उसने मेहनत की है और उसको भूल के उसने जो प्रैक्टिस शुरू की है और सारी चीज़ें भूल चुका है सब वो, और सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट उसे, उस क्रिकेट के अलावा दूसरी कोई चीज़ याद नहीं है। आप क्या सलाह देंगे सर उनके गुरु होने के नाते? मैं उसको सलाह ये दूंगा कि भाई आप जैसा अभी तक आपने परफॉर्म किया, आगे वाले मैचों में भी ऐसी परफॉर्म कीजिए और इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाइए। सर, शमी आमतौर पर ज़्यादा बात करते हैं या चुप रहते हैं? वो कम बात करता है बहुत, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत करने लगा, पहले तो बहुत ही कम बात करता था। शर्मीले स्वभाव के हैं जी, या खुलकर बोलते हैं सर? नहीं, अब तो खैर बात करने लगा है, लेकिन अभी भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जैसे और लड़के होते हैं कि बहुत हंसी मजाक खुल के करना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने बहुत खास यार दोस्तों से कुछ ही मजाक करते होंगे, मुझसे तो ज़्यादा अच्छा खैर नहीं कोई बात। सर, ग्राउंड के बीच में विकेट लेने पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, आम लोगों से मिलते वक्त कैसे रहते हैं सर आपके अकॉर्डिंग? आपने देखा होगा वो इसी तरह रहता है, वो भी उसे विकेट 5 मिल जाए, उसे 1 विकेट मिले वो भी तब भी ऐसे ही रहता है, और 5 मिले तो भी ऐसे ही रहता है, वो खुशी ज़्यादा मनाई बस हाथ उसके साथ। विराट कोहली जब से आए हैं साथ में तो ज़्यादा खुशी मनाने लगा उसके साथ। अपने घर जाते हैं, अमरोहा आते हैं या आपसे मिलते हैं तो सर क्या करते हैं खाली वक्त में? खेती से अभी भी लगाव है या कैसे क्या रहता है? उसे खाली वक्त में उसे क्रिकेट के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं सोचता, मैं तो उसे मना भी करता हूँ कि भाई 2-4 दिन आराम कर लो, आए हो इतना लंबा टूर करके, मगर वो दूसरे दिन ही फ़ोन आ जाते हैं कि भाई वो सर बच्चे कुछ भेज दीजिए, मैं यहीं पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वहाँ नहीं आऊँगा। सर, कोई खास शौक ऐसा रहा हो जो हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हो? बस उसको अब उन्हें ग्राउंड बनाने की सोची है, अब उसने क्रिकेट में ही लग रहा है वो बिल्कुल, तो सोच रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत परेशानी हुई है, यहाँ पे रह के मैं बहुत करीब 20-25 किलोमीटर जाया करता था प्रैक्टिस में, तो मैं यहाँ पे अपने गांव में ही एक ऐसा ग्राउंड बनाऊंगा कि वहाँ से दूर दूर से लोग वहाँ पर आएंगे। फ्यूचर में ग्राउंड बनाने का इरादा है। और क्या कहा उन्होंने, आपकी बातचीत हुई होगी, अभी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी? देखिए, बहुत ज़्यादा खुश है और जाहिर सी बात है खुश होना भी चाहिए, क्यों भाई आपको वर्ल्ड में, आप वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन रहे हैं आप, तो बहुत खुशी की बात है। लग रहा था हमें कि भाई अगर इसको पहले मैच से खिलाया जाता तो अब तक चैंपियन सबसे ज़्यादा विकेट हो जाते, लेकिन उसने 3 मैच में ही वो काम करके दिखा दिया जो लोगों से 8-10 मैचों में नहीं हुआ।